हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विजय दक्ष राणा। दोस्तों आज हम एक ऐसे जूस के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ही अनोखा और बहुत ही फायदेमंद और लाभप्रद है, जो हर सीजन में नहीं पाया जाता, मुख्य रूप से बैसाख और जेठ के महीने में ही मिलता है। उस जूस का नाम है ताड़ी। ताड़ी एक ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होती है, पर बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद ही इस जूस को पाया जा सकता है, जो सिर्फ गर्मी के मौसम में सिर्फ 2 महीने में ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मई और जून का एक ऐसा महीना है, इन 2 महीनों में ही हम ताड़ी को प्राप्त कर सकते हैं। ये हैं हेमंत शर्मा, इन्होंने अपने पैरों में रस्सी बांध ली है और रस्सी बांधने से इनको पेड़ पर चढ़ने में सहायता मिलती है। अपने पीछे इन्होंने एक डोलची बांध रखी है जिसमें एक धारदार हसिया रखा हुआ है। अब इसको लेकर के ये बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद ऊपर चढ़ रहे हैं। ये दूसरे भैया भी हैं, ये भी कड़ी मशक्कत के बाद ऊपर चढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने पीछे एक बाल्टी को बांध रखा है जिसमें ये ताड़ी को निकाल करके लाएंगे। ताड़ के पेड़ पर चढ़ना बहुत ही कठिन होता है। जी हाँ, इसके और जो पत्ते होते हैं, इनके डंठल होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं। इन कांटों से राहत पाने के लिए ये इन कांटों को हसिए से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं और अपने सीने पर एक ऐसा कपड़ा बांध लेते हैं जिससे इनके सीना कहीं छिल ना जाए। अब ये देखिए, इन्होंने बाल्टी रख ली है। बाल्टी रखने के बाद ये एक जो उस पात्र को खोलने के बाद ये इसको काटेंगे, जो इस पर एक घार की तरह एक ऐसा फल आता है जो एक टहनी से जुड़ा होता है। उस टहनी को ये हल्का हल्का हसिए से काटने के बाद इसमें इस जो पात्र है जिसमें ताड़ी आती है इसमें लटका देते हैं। कपड़ा खोलेंगे। कपड़ा खोलने के बाद यह इस मटकी में जो ताड़ी है इसको अपने इस बाल्टी में कर लेंगे। बाल्टी में करने के बाद जो यह इसका डंठल होता है इसको हसिए से हल्का हल्का छीलेंगे, यानी कि काट देंगे, जिससे कि इसमें पाए जाने वाले छिद्र पुनः खुल जाएंगे। पुनः खुलने के बाद ये इसको मटकी में डाल देंगे और कपड़ा पुनः बांध देंगे। कपड़ा बांधने से दोस्तों होता यह है कि कपड़ा बांधने से इसमें जो मधुमक्खियाँ आती हैं ताड़ी पीने को, वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और चींटा चींटी इत्यादि इसमें नहीं पहुँच पाती, जिससे हमारी ताड़ी स्वच्छ बनी रहती है और हमें भरपूर मात्रा में मिल पाती है। तपती चिलचिलाती धूप में यह लोग ताड़ बनाने सुबह और शाम को जाया करते हैं। अभी शाम का वक्त है, लगभग शाम के 6 बजे हैं और यह लोग ताड़ी निकालने के बाद ताड़ बनाते हैं। ताड़ बनाने के उपरांत जब इनकी बाल्टी भर जाती है तो इस बाल्टी को किसी रस्सी की सहायता से नीचे डाल देते हैं, नीचे भेज देते हैं। जो एकत्रित की गई ताड़ी को हम लोग ये लोग स्टोर कर लेते हैं। क्या नाम है तेरा? इसमें क्या है? नमकीन। देखा निकाल के देखा यार, कैसी कैसी नमकीन है। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। अच्छा कहाँ? ये वाली है। अच्छा कितने रुपए की बिक्री हो जाती है तेरी? 300-400 रुपए की। 300-400 रुपए की। अच्छा गिलास का, गिलास भी है इसमें? हाँ। देखा गिलास का रुपए का देता है? 2 रुपए का। नमकीन तो ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। गौरव क्या पी रहे हो? ताड़ी। आपका क्या नाम है? क्या पी रहे हो आप? ताड़ी। ताड़ी। बात बताओ, इसे पीने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है। अच्छा अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करते हो ना? हाँ। अच्छा नशा भी होता है इससे क्या? नहीं होता। ज़्यादा पी लो तब होता है। स्वाद कैसा होता है इसका? कैसी लगती है पीने में? कड़वी या मीठी? खट्टी लगती है। कितने गिलास पीने पे नशा होता है? एक डोलची। गिलास बताओ, डोलची से मतलब नहीं। 6 गिलास। ताड़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। शरीर में फाइबर की कमी के कारण कब्ज होता है। अगर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में फाइबर का सेवन करना चाहिए। आप फलों या ताजी सब्जियों से फाइबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ताड़ी में फलों और सब्जियों के अलावा फाइबर भी पाया जाता है। इसलिए अगर आप कब्ज दूर करना चाहते हैं तो आप एक बार ताड़ी का सेवन जरूर करें। अफ्रीका में अधिकांश निवासी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए ताड़ी का सेवन पीने की सलाह देते हैं।
हमारा पतला शरीर हर किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि अतिरिक्त वजन कम करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वजन बढ़ाने में दिक्कत होती है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आपको एक बार ताड़ी का सेवन अवश्य करना चाहिए और अपनी डाइट में ताड़ी जरूर पीना चाहिए। तो आप एक बार ताड़ी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आंखों की रोशनी बढ़ाती है ताड़ी। ताड़ी आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें विटामिन सी एक्सावेट एक्सिड नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो अन्य फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 भी पाया जाता है जो हमारी दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है। पेट दर्द में फायदेमंद। देर से खाना, गलत खानपान और संवेदनशीलता, किसी भी तरह की एलर्जी जैसे कारणों से पेट में दर्द हो सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग पेट दर्द को हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको पेट दर्द की समस्या को नज़रअंदाजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको पेट दर्द की समस्या होती है तो आपको ताड़ी का सेवन जरूर करना चाहिए। ताड़ी हमारे जीवन में बहुत ही लाभप्रद और उपयोगी रही है। ताड़ी पीने से हमारा वजन बढ़ता है। ताड़ी पीने से कब्ज दूर होता है। ताड़ी पीने से पेट दर्द की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ताड़ी पीने से बुखार और हमारे पेट में बनने वाली गैस से राहत मिलती है। ताड़ी पीने से हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ताड़ी पीने से स्तनपान बहुत अच्छा होता है। ताड़ी का उपयोग आँखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।